दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस लेक्चर में खास करके 60+ SOC एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन का कौन सा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है इंटरव्यू के लिए, जब भी आप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो दैट बेसिकली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल फॉक्स, ओके। सो यू हैव टू बी मोर प्रोमिनेंट एंड हैव टू क्लियर योर बेसिक सो दैट यू विल बी गेटिंग क्रैक्ड इन अ वेरी फर्स्ट कॉल ऑफ योर इंटरव्यू सेशन, ओके, और इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू सेशन, ओके। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टू पार्ट्स में बेसिकली होगा, ठीक है। तो एवरी पार्ट विल हैव सम सर्टेन सिग्निफिकेंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअल आंसर क्या दे सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वी विल नॉट बी रिमेनिंग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें रिमेंबर तो नहीं होगा, बट येस वी कैन प्रोबेबली हैव ए सेशन टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इट बिकम ए प्लस पॉइंट टू ईच एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, हु आर बीन वॉचिंग, ओके। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन दिस, ठीक है। कौन कौन सा थिंग्स हम इस वीडियो लेक्चर में या फिर इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ए सॉक, ठीक है, व्हाट इज़ ए सॉक, उसके बाद कोर फंक्शन ऑफ सॉक, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सॉक, चैलेंजेस फेस्ड बाई सॉक एंड 60, ओके। सो दीज ऑल द थिंग्स विच बेसिकली कम्स अंडर द रडार, ठीक है। तो अगर आप देखें व्हाट इज अ सॉक, ठीक है, सॉक का मतलब बेसिकली क्या है। सो ए सॉक इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट, ओके, विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई से CHAT, चैट GPT, वन ऑफ द बेसिक सोर्स फॉर एवरीथिंग फोक्स। आई request you to go through this AI platform and get the knowledge, I can say. So whatever things I have been displaying, it's all the content which comes from AI, which comes from the things which are basically been available in open source. Okay, so from there I basically extract it and make you in the form of notes, ठीक है। तो this is how actually you can go through and learn the things much better. ओके, सो व्हेन इट कम्स फॉर सॉक, सो सॉक का बेसिक डेफिनेशन बेसिकली क्या माना जाता है या फिर क्या है। तो सॉक इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस एंड एंड पॉइंट्स, ओके। दो उसका प्राइमरी मोटिवेशन और मिशन क्या है। द प्राइमरी मिशन ऑफ सॉक इज टू डिटेक्ट, ठीक है, उसके बाद एनालाइज, रेस्पॉन्ड एंड टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड थ्रेट्स इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम, ठीक है। तो रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं विथ रेफरेंस टू मिटिगेशन, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी बेसिकली इंप्लीमेंट होता है एक सॉक एनालिस्ट प्रोफाइल में या फिर व्हाट इज़ ए सॉक एनालिस्ट का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कोर फंक्शन ऑफ सॉक्स, ठीक है। सो सॉक का बेसिक कोर फंक्शन क्या क्या है। तो पहला है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। सो कंस्टेंटली मॉनिटर सिक्योरिटी इवेंट्स, अलर्ट्स जनरेटेड बाय वेरियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हो गया हमारा फायरवॉल्स, IDS, IPS सिस्टम्स, एंड पॉइंट सॉल्यूशन एंड सिम प्लेटफॉर्म, ठीक है। एवरीथिंग विल बी मॉनिटर ऑन द रडार। उसके बाद यूटिलाइज थ्रेट इंटेलिजेंसी फीड्स एंड डाटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड एनोमलीज, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की रोल विच इज़ बिन प्लेस्ड, ठीक है, ओके। तो इन द फॉर्म ऑफ डिटेक्शन और मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन पार्ट में। उसके बाद आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या क्या हो सकता है या फिर वट शुड बी द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज सिक्योरिटी इंसिडेंट टू डिटरमाइन द रूट कॉज, इम्पैक्ट एंड एक्सटेंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ओके। सो दिस इज द मेन इंटेंशन और मेन मोटो, ओके, ऑल्सो वी कैन से ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है डेवलप एंड एग्जीक्यूट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी टू कंटेन, मिटिगेट एंड रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी इंसिडेंट, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी टू कंटेन, मिटिगेट एंड रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी इंसिडेंट। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट विद अदर टीम सच एज IT, नेटवर्क ऑपरेशन, लीगल एंड लॉ एनफोर्समेंट एज नेसेसरी, ओके। सो दिस इज द IR रिस्पॉन्स प्लान ऑफ दैट थिंग।
उसके बाद आता है क्या है, थ्रेट हंटिंग. सो थ्रेट हंटिंग प्लेस ए वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट रोल फॉर्स बिकॉज वाई सी. सो प्रोएक्टिव सर्च फॉर साइन ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स और एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड सिस्टम. ओके सो दैट्स कम्स अंडर वॉट थ्रेट हंटिंग. ओके थ्रेट हंटिंग इज ऑल अबाउट प्रोएक्टिव सर्च ऑफ साइन ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट और सस्पिशियस एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड सिस्टम. Utilize threat intel or a TI analytics and advanced tool to uncover hidden threats that may have evaded the traditional detection and mechanism. Okay, ये भी हम point मान सकते हैं. उसके बाद vulnerability management. So vulnerability management is also one of the key and prominent point box because see, to identify, prioritize, and remediate security vulnerability in system, application, and infrastructure. ओके उसके बाद कंडक्ट रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग ओके एंड पैच मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द अटैक सरफेस एंड स्ट्रेंथन द डिफेंस. ठीक है ये हो गया हमारा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंडर. उसके बाद फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन. तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोथ आर सेम. ओके सो कंडक्ट डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टू गैदर एविडेंसेस. ठीक है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट सपोर्ट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है प्रिजर्व एंड एनालाइज डिजिटल एविडेंसेस टू आइडेंटिफाई प्रीपेक्टर डिटरमाइन द स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स. ठीक है ये सब कुछ हो गया हमारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में. ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द SOC एंड द कंपोनेंट ऑफ SOC. तो अगेन आई रिपीट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ SOC. देर आर वन इज मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, सेकेंड इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थर्ड इज थ्रेट हंटिंग, फोर्थ इज वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड फिफ्थ इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. So conduct the digital forensic investigation, incident investigation to gather the evidence, understand the nature of security incident. ठीक है और जैसे कि हो गया support legal and regulatory requirement. उसके साथ साथ analyze digital evidences, digital signature. ठीक है जैसे कि हो गया scope of compromise, prevent further incidents. ठीक है वो सब कुछ हो गया हमारा forensic investigation. ठीक है so this is all about today's analysis folks or today's video video clip of not only that it will be in two parts. In this part we have discussed about kya kya discuss kiya hai, what is SOC and the different components of SOC. In the upcoming video we will be having a session of questionnaire section. ठीक है 60 plus questionnaire section के बारे में भी discuss करेंगे. ठीक है so till then thanks for giving your precious time folks. Thanks a lot.